नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। महासबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। ईवीएम में कैद हुए उम्मीदवारों की किस्मत अमरोहा में 5 बजे तक सबसे ज्यादा 62.04% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में 5 बजे तक 54.34% मतदान हुआ है। वहीं मेरठ में 5 बजे तक बात करें तो 56.57% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 5 बजे तक 51.60% मतदान हुआ है। वहीं मथुरा की अगर बात करें 5 बजे तक 47.18% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में 5 बजे तक 54.34% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर में 5 बजे तक 54.28% मतदान हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए सुबह से ही मतदान और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। तो हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। मथुरा से नीरज चौधरी जुड़े हैं और नोएडा से महेंद्र बाही, अमरोहा से अरुण चाहर, बागपत से विवेक कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अमरोहा से बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अरुण चाहर जुड़े हैं जहां पर सबसे ज्यादा मतदान इस समय हुआ है 5 बजे तक बात किया जाए तो। अरुण, सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 8 सीटों में उत्तर प्रदेश में जो अभी वोटिंग हुई है अमरोहा में ही सबसे ज्यादा है। अभी 6 बजे के नतीजे नहीं आए, क्या माना जाए, अभी ताजा अपडेट क्या है, वोट प्रतिशत और कितना बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखिए अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा ने 2019 में जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए थे किया था और आज जिस प्रकार से मतदान हुआ है तो अमरोहा के लोगों ने बढ़ चल कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है। अभी अगर बात की जाए 5 बजे तक का जो फिगर आया है उसमें 62% यानी कि 62% मतदान हुआ है। एक हम पोलिंग बूथ पर मौजूद है और जो वोटिंग है वो अब बंद हो चुकी है। तो साफ तौर से अमरोहा लोकसभा से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जनता ने आज उनकी किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। 4 जून को जिस प्रकार से नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि अमरोहा से इस बार कौन सांसद बनेगा। अमरोहा की खासियत ये भी है कि अमरोहा हर बार जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ की जनता द्वारा किसी को नहीं चुनती है, यानी कि हर बार जो यहाँ से प्रत्याशी है वो रिपीट नहीं होता है। तो यानी कि चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं जनता के वो निकल कर आते हैं। तो आज हमने सुबह से देखा अमरोहा के लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटिंग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें रही। तो साफ तौर से अमरोहा के लोगों में मतदान के लिए काफी जागरूकता थी, उत्सुकता थी और उनके लिए आज उन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान किया। जी चलिए मथुरा की तरफ रुख कर लेते हैं। नीरज चौधरी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, तीसरी बार हेमा मालिनी जो है इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। पहले आप वोट प्रतिशत बताएं, जनता का क्या रुझान आपको मिला और ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जो मथुरा का जो मतदान है वो 47.59% जो मतदान था जो 5 बजे तक अपडेट वो 47% की थी। जो बात करें मथुरा के मुद्दों की तो ब्रज और मथुरा के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर आज उन्होंने अपनी वोट डाली। उनका मत था कि जो ब्रज की जो समावेशन की समस्याओं को लेकर उन्होंने मत दिया और लगभग 47% मतदान मथुरा से पड़ा। जी बिल्कुल। महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, ताजा अपडेट क्या है बताएं? बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का जो मतदान है वो रुक गया है। 6 बज चुके हैं। तमाम जो मतदान थे जो या वोटर्स थे जो लाइन में लगे थे बस अब उन्हीं की एंट्री हो रही है, उन्हीं को परमिशन मिल रहा है वोट डालने की, इसके बाद जो है उनको रोक दिया गया है। मगर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से जो प्रत्याशी थे, चाहे हम भाजपा के प्रत्याशी की बात करें, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बात करें या बीएसपी के कैंडिडेट की बात करें, उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया था आज के दिन के लिए। और कहीं ना कहीं नोएडा की जो जनता है जिसके 26 लाख जो वोटर वो तय करेंगे कि आखिर 4 जून को संसद भवन कौन जाएगा। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से जो शहरी क्षेत्र है खासकर नोएडा में यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम रही, मगर तकरीबन ऑल ओवर 40% नोएडा में रही। और अगर बात करें तो सिकंदराबाद, जेवर और इन तमाम जगहों को वहाँ वोटिंग परसेंटेज 65% पहुंच गया। ऑल ओवर जनपद की बात करें तो यहाँ 51% मतदान हुए हैं शाम 5 बजे तक। 6 बजे तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 55 और 60 तक पहुंच जाएगा मतदान केंद्र, जो कि पिछले 2019 के मुकाबले कम माना जा रहा है। क्योंकि देखिए धूप बहुत ज्यादा थी सुबह के वक्त, जब 7 बजे के मतदान केंद्र में जो लोग कतार में लगे थे तो वो बहुत आए और वोट उन्होंने डाला, मगर जैसे जैसे धूप बढ़ती गई यानी कि जब दोपहर का समय आ गया कहीं ना कहीं जो लोग थे धूप से बचते नजर आए
और नोएडा शहर में खासकर ये देखा जाता है क्योंकि नोएडा बिल्कुल शहर में तब्दील हो चुका है, तो जो नोएडा के लोग हैं वोट नहीं करते, कम वोटों में दिलचस्पी रखते हैं, मगर इसका उल्टा देखा गया ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आप जाएं चाहे सिकंदराबाद की बात करें, जेवर की बात करें, तादर की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, वहां जो वोटिंग हुई है वहां बंपर वोटिंग हुई है। अब जो 26 लाख वोटर है, यानी कि अब जो चाहे हम जाट समुदाय की बात करें, गुर्जर समुदाय की बात करें, दलित समुदाय की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, वो अब डिसीजन लेंगे कि आखिरकार कौन 2024 या कहे चार जून को किसके सर पे ताज रहेगा। यहाँ से जब हमने जो भाजपा के प्रत्याशी है डॉक्टर महेश शर्मा उनसे जब हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था देखिए पिछले 2019 के चुनाव में हमने 3.5 लाख वोटों से विजय किया था, इस बार हम 4.5 लाख तक पहुंच जाएंगे। वही दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है डॉक्टर, ये तो दावे हुए, अपनी अपनी दावे तो सब करते हैं। हम ताजा करंट सीनियो पे बात करेंगे। बागपत से विवेक कौशिक जुड़े हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट है आपके पास, बताएं। बिल्कुल अपडेट लगातार जुड़ा आपके साथ। बड़ी बात तो ये बात में मतदान के प्रतिशत की अगर बात करें नहीं आया तकरीबन 5% जो है मतदान प्रतिशत, अगर बात करें तो लोकसभा में मतदान एक कारण किसान और कमेरे गेहूं की मशगूल होना भी माना जा रहा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं वैश्य वर्ग की उदासीनता भी मत प्रतिशत में कहीं डेंट का काम करती नजर आई है। बागपत में तमाम जो तीन विधानसभा बागपत जनपद में, एक मेरठ में और एक सिवाल खास है, पांचों विधानसभाओं में तकरीबन शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और मतदान की जो तारे कम रही है कहीं ज्यादा इलाके के अलावा लाइनें लगती हुई। बिल्कुल, चलिए अरुण, सबसे ज्यादा मतदान अमरोहा हुआ, मैं दो फैक्टर समझना चाहता हूं आपसे। एक फैक्टर ये कि महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, जैसा कि आप पहले बता रहे थे, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ, इस बार क्या पैरामीटर लोगों के जहन में रहा और जिसको लेकर उन्होंने वोट कास्ट किया? बिल्कुल, देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात की है तो शहरी क्षेत्र में सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाद लोगों की भीड़ लगी, क्योंकि लोगों को अपने काम होते हैं जाने के लिए, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब दोपहर की अगर बात की है, क्योंकि गर्मी का समय होता है, तो उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर से देखा गया कि किस तरीके से ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर रही हैं। देखिए 2019 के फिगर की मैं आपको बता दूं तो 2019 चलिए अरुण मैं आपके पास आऊंगा। महेंद्र, मेरा सवाल एक आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर और शहरी क्षेत्रों को लेकर अभी आप बात कर रहे थे, ग्रामीण शहर की अगर कंपैरिजन की बात करें तो शहरी क्षेत्र वाले सुविधाएं बहुत ज्यादा लेते हैं, उनको बिजली भी बहुत ज्यादा मिलती है, सारी व्यवस्थाएं मिलती है, लेकिन वोट जब कास्ट करने की जरूरत आती है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग करने लगते हैं और सुविधाएं शहर वाले लेते हैं, इसको लेकर भी क्या दोहरा पैरामीटर देखने को मिला क्या? बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर आप देखेंगे जो पहले चरण का मतदान था वहां वोट प्रतिशत काफी कम हुआ था 2019 के मुकाबले। सब लोगों ने कहा था कि वोट प्रतिशत बहुत कम होता है, चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, वही अब थोड़ा बहुत सीनियर हमें दूसरे चरण में देखने को मिला। जो शहरी वोट है, यानी कि जो एसी में रहता है, जो पूरे दिन गाड़ी में रहता है, घर से निकलने को राजी नहीं था, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, चाहे हम किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र में हिस्सा लिया। इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में जो सिकंदराबाद या जेवर दादरी के गए तो वहाँ सुबह 10 बजे के आसपास 30% मतदान हो गए, तो वहीं नोएडा की बात करें तो 10 बजे के आसपास तकरीबन 21 था, यानी कि 10 से 15% जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ बंपर वोटिंग हुई है। नोएडा की बात करें तो, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं और अपने अपने उसमें रहते हैं फ्लैट में, तो कहीं ना कहीं वो इसको लोकतंत्र को पर्व ना मांगते हैं कि वीकेंड मांगते हैं और कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो हर बार ये देखा जाता है कि जो नोएडा और शहर है, जो नोएडा का 61 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ हर जो 5 साल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होती जाती है, और जबकि सारी सुविधाएं आप देखेंगे तो शहर में ज्यादा मिलती है, चाहे बिजली की बात करें, स्वच्छ पानी की बात करें, सड़क की बात करें, कानून सुरक्षा की बात करें, गाँव के कंपेरिजन शहरों में सुविधाएं बहुत ज्यादा मिलती है, मगर उसके बावजूद भी जो शहर के लोग हैं वो वोट नहीं डालते। मगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, चाहे हम जेवर की बात करें, खुर्जा की बात करें, वहाँ लोग अपने सारे काम निपटा कर सुबह सबसे पहले मतदान करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं पहले मतदान उसके बाद जलपान, मगर शहरी क्षेत्र में बिल्कुल अलग होता है, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि पहले जलपान उसके बाद मतदान।
मतदान। यहाँ देर शाम तक ही जो लोग है वोट देखने आए थे और कहीं ना कहीं वो फिर लेट हो गए थे, उनको वापस लौटा दिया गया। तो ये लापरवाही हमेशा शहर में देखने को मिलती है। जैसे पहले चरण में मतदान हुए थे उसी टाइम से तमाम, चाहे राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तमाम स्टार की बात करें, तमाम अधिकारियों की बात करें, बार बार ये कह रहे थे कि देखिए वोटिंग परसेंटेज कम है, आप अपने लोकतंत्र के पर्व को बहुत खुशी से मनाइए, जो आपका वोट है वो आपका अधिकार है, बेहतर भविष्य के लिए जो आपका बेहतर प्रत्याशी है उसको आपको चुनना है तो आपको वोट करना होगा। और नोएडा में ऐसे कई सामाजिक तौर पर लोग हुए थे जिन्होंने ये कहा कि अगर आप वोट डाल के आएंगे और आप अपने स्याही वाली उंगली दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको रेस्टोरेंट में डिस्काउंट मिलेगा। देखिए सौरभ, जो लोग भी हैं वो भी चाहते हैं ताकि लोकतंत्र का जो पर्व है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाए, हर कोई वोट डाले, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। मगर इस बार फिर से ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उन्होंने बाजी मार ली है। तकरीबन 60-70% जो वोटिंग परसेंटेज हुई है वो ग्रामीण इलाके में हुई है, और जो नोएडा की बात करें तो नोएडा में 40% वोटिंग हुई है। आप यही देख सकते हैं करीबन 20-25% का जो मार्जिन है वो शहर और गांव में। ठीक है नीरज, मेरा सवाल आपसे, देखिए हमने और इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से हम खबर पहुंचा रहे। पहला चरण हमने कवर किया, आपने कवर किया, पहले चरण और दूसरे चरण में क्या अंतर आपको, क्या तब्दीली महसूस हुई? बिल्कुल, आपको बता दें जो पहले चरण में जो मतदान तो लोगों की जो इच्छा थी, हर एक वोटर था जो वोटर का मत था मत देने के लिए वो आए थे अपनी इच्छा, लेकिन दूसरे चरण की हम बात करें, दूसरे चरण में जो रुझान थे वो देखने को अलग मिले, क्योंकि हम मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें उससे 10% जो प्रत्याशी जो मत है वो कम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विवेक, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी जिस मतदान केंद्र पे आप हैं वहां की स्थिति क्या है, उसके विषय में थोड़ा बताएं, और पहले चरण और दूसरे चरण में कुछ विशेष अंतर आपको समझ में आया हो, या आपने कुछ नयापन देखा हो, या 2019 में भी कुछ नया रहा हो, या अब कुछ नया जो है हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं तो बताएं। जी बिल्कुल, सब बात यह है कि एक को मिली है, तमाम दोनों के दोनों चरणों में एक चीज नजर आती है, जो जो युवा है उसके अंदर वो करने के लिए वोट नजर आता है, लेकिन जो हर चलिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे और चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिरकार आज दिन भर क्या हुआ, क्योंकि पल पल की अपडेट तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, महा कवरेज लगातार जारी है, महासमर आप देख रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। One final opportunity, Ace Tablet, Sector 152, Noida. Call 888-252-0000. Grade A office and retail spaces at Ace 153. Call 888-252-0000. राम मंदिर बना था तब बहन जी ने उसको भी वेलकम किया था, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसको भी वेलकम किया जाएगा। रैपिड फायर हम लोग खेलते हैं, मैं आपका फेवरेट व्यक्ति कौन है? बहन जी हैं और मिलने का मौका बहुत बारी है। आपको भविष्य में किस तरीके से देख, जनता के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है वो जनता की मंजूरी से होना चाहिए। बहन जी हमारी भगवान है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ, बहन जी हमारी भगवान है। मैं राम प्रताप मौर्य 23 लोकसभा क्षेत्र बदायूं से सांसद पद हेतु निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरे खिलाफ बदायूं CGM कोर्ट 1 कोर्ट 2 में IPC धारा 171 जी और H 186, 188, 323, 353, 504, 332, IT एक्ट 67, DM एक्ट 51 के तहत मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र माही मेरे सहयोगी नोएडा से लगातार जुड़े हुए हैं और सहयोगी हमारे लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। महेंद्र, मेरा सवाल आपसे कि नोएडा में इस बार अगर बात किया जाए, सुरक्षा को लेकर भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, नया क्या आपको देखने को मिला जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं अब? देखिए सौरभ, क्योंकि सुरक्षा के मामले में बात करें तो तमाम जो महिला थी, हमने उनसे पूछा कि आपका जो वोट है किस मुद्दे पे जा रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था विकास और दूसरा
महिला सुरक्षा, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था, देखिए कुछ समय पहले जब हम सड़कों पर बाहर निकलते थे तो कहीं ना कहीं हमें खौफ का एक डर लगा रहता था, हमें लगता था कोई हमारे गहना ना लूट ले या किसी को लगता था कि हमारी कोई चैन ना लूट ले। मगर अब की बात करें तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो बड़ा वादा किया है महिलाओं को लेकर क्या है, यानी कि महिला की सुरक्षा को लेकर क्या है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो है ये देखने को मिलता है। और ये हम नहीं कह रहे, तमाम जो हमने महिलाओं से बात की, चाहे हम स्कूल की लड़कियों से बात करें या कॉलेज की लड़कियों से बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। तो इस मुद्दे पे भी जो युवाएं हैं उन्होंने वोट किया। दूसरी बात, जब हम दोबारा महिलाओं से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि देखिए जो महंगाई है उस पर थोड़ा सरकार को देखना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो रहा था, सिलेंडर की बात करें या खाने पीने की चीज की बात करें या कहें जो पेट्रोल या डीजल के दाम है उसकी बात करें, उन चीजों पर भी उन्होंने कहा कि इस पे कम होना चाहिए। और हमें आशा है कि अगर हम किसी नई सरकार को चुनते हैं या किसी भी पार्टी को वोट डालते तो हमारी इन समस्याओं को दूर करेंगे। दूसरी बात देखिए, क्योंकि नोएडा शहर है पूरा, अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल है, दूसरी तरफ ग्रामीण एरिया है, वहां भी अगर आप बात करें जेवर की बात करें तो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। जब कल हमने कमिश्नर से बात की थी, यानी कि लक्ष्मण सिंह से बात की थी, तो उन्होंने कहा था देखिए चुनाव के पर्पज से, यानी कि आज के दिन वो तकरीबन पूरे जिले में 13,000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी, जिसमें सीआरपीएफ के अधिकारी थे, ब्लैक कमांडो थे, एलआईयू की टीम की लोकल इंटेलिजेंस थे, ऐसे सेंसिटिव जोन जहां कुछ गलत व्यवहार हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया था। तमाम ऐसे एरिया में जहां पुलिस तक थोड़ा जाना मुश्किल होता है वहां उन्होंने ड्रोन की कैमरे से निगरानी रखी थी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, यानी कि सुरक्षा की बात करें तो पूरे नोएडा में कहीं किसी तरह का कोई हिंसा नहीं हुआ, जो छुटपुट घटना होती वो भी नहीं हुआ, बड़े शांति पूर्ण तरीके से यहाँ मतदान हुआ। और देखिए जनपद जो जनपद गौतम बुद्ध नगर है, इसका इतिहास यही रहा है कि जब जब यहाँ चुनाव हुए हैं, चाहे हम 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, 2009 की बात करें, कोई ऐसी घटना नहीं होती कि जनपद का नाम खराब हो या जनपद की पुलिसिंग पे सवाल उठा जाए। जनपद की एक अच्छी बात है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यहाँ किसी तरह का भगदड़ नहीं मचता, वोटिंग को लेकर कहते हैं कि जो बवाल नहीं होता, पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम किया, इसमें पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी। खुद कमिश्नर से लेकर डीएम तक तमाम पोलिंग स्टेशन पर खुद गए थे, खुद जो कमिश्नर थी हर स्टेशन पे लोगों से बातचीत भी कर रही थी, वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, और ऐसे कई गैंगस्टर माफिया थे जिनको पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था या तमाम। ठीक है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रही। फर्स्ट टाइम वोटर से आपकी कुछ बातचीत हुई, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जो इंडियन न्यूज की जो टीम है लगातार ग्राउंड जीरो पे है, और जो चाहे जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, आसपास के तमाम जिलों की बात करें, जब हम सुबह उनसे हमने बातचीत की तो हमने सबसे पहले ये पूछा कि आप किस मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं, क्या आपकी मूल समस्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा देखिए सबसे बड़ी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारत का जो नाम है उसको लेकर वो वोट देंगे, विकास के नाम को लेकर वोट देंगे, रोजगार को लेकर वोट देंगे, जो इस टाइम भारत की एक इमेज बन चुकी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको लेकर हम वोट देंगे, यानी कि कुल मिलाकर विकास को लेकर, जो चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, नौजवानों की बात करें, इन लोगों ने ये कहा कि युवा हम इस मुद्दे पे वोट देंगे। तमाम हमने महिलाओं से बात की, महिलाओं ने साफ तौर पर कहा देखिए विकास तो हो रहा है, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, मगर वो बार बार ये जिक्र जरूर कर रही थी कि महंगाई पे सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा, चाहे सिलेंडर की बात करें, आटे दाल चीनी की बात करें, वो बहुत ज्यादा महंगे हो, महिलाओं को घर का जो किचन होता वो चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, तो कहीं ना कहीं महंगाई पे भी सरकार को काम करना होगा। ऐसा जो मतदान कर रहे थे चाहे महिलाएं या पुरुषों ने, उन्होंने कहा था वही रोजगार से, और पेपर लीक को भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा देखिए सरकार इस पे काम कर रही है, जल्दी उस पे कानून भी लाएगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है 2024 में तो हम इस पे बहुत सख्त कानून बनाएंगे। रोजगार की बात की उन्होंने, लखपति दीदी की बात की, यानी कि जब हम कतार में जब लोगों से बात करें तो उन्हें पता था कि हमें किस पार्टी को क्यों चुनना है, और हमारे मत जो उनका जो वोटर होता, क्योंकि 5 साल में एक बार ये लोकतंत्र का महापर्व आता है, तो उन्हें पता है कि हमारा वो वोट है किस मुद्दे पे किसको जाना है। जी सौरभ, बिल्कुल, आज हम तो वैसे भी महेंद्र किसी पार्टी विशेष की बात तो कर नहीं रहे, आज का दिन जो है वो जनता का दिन है, जिसको चाहे उसको वोट दे सकते, यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, कोई बाध्य नहीं है, किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है। लेकिन पिछली बार की बात अगर, क्योंकि अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि वोट आप कास्ट जरूर कीजिए, वोट आप किसी को दीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता आप बीजेपी को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, समाजवादी पार्टी को देते हैं, जो भी सियासी पार्टियां, लेकिन वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। क्या इस बात का भी लोगों के अंदर झलक नजर आए कि नहीं हमको अपना वोट करना है?
बिल्कुल सर, आप देखिए क्योंकि आज जिस तरीके से धूप निकली थी, जो टेम्परेचर था, यानी कि हम सुबह से बाहर थे तो हमारे खुद के पसीने छूटे और कई ज्यादा प्रॉब्लम आई, मगर उसके बावजूद भी चाहे बुजुर्ग हो, यानी कि जो महिला जो चल नहीं सकती व्हील चेयर पे तक, यहाँ जो महिलाएं हैं 100-100 साल की जो महिलाएं थी वो वोट डालने आई थी, ऐसे तमाम जो युवा हैं वो मुझे कतार में दिखाई दिए, तमाम जो लड़कियां हैं चाहे महिलाएं हैं, तमाम तरह के जो व्यक्ति थे वो कतार में लगे, यानी कि लोगों में जोश बहुत था। जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि वो जरूर करे, उसका असर देखने को जरूर मिला, क्योंकि बार बार ये जिक्र हो रहा था कि पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत वो कम हुआ था, उसका भी आपको बता दें, क्योंकि क्योंकि वो अगर बात करें 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो उस टाइम जो किसान थे वो अपने धान की कटाई कर रहे थे, तमाम फसलों की कटाई कर रहे थे, उसको लेकर लोग नहीं निकल पाए थे, मगर दूसरे चरण में कह सकते हैं कि वोटिंग हुई है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम वोटिंग परसेंटेज हुई है, मगर खासकर नोएडा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बंपर वोटिंग हुई है। आप सोचिए सिकंदराबाद, जेवर, दादरी, जेवर, इन तमाम जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 60 के ऊपर गया है, तो आप मान सकते हैं कि जो लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होती है अपने पर्व को मनाने की, अपने जो विकास के कार्यों को और तेज रफ्तार गति देने के लिए, उन्हें पता है कि कौन सी सरकार उनके लिए बेस्ट है, कौन सी जो कौन सा प्रत्याशी उनके लिए बेस्ट है जो उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा। बिल्कुल, ऐसे में तमाम जो लोग जी बिल्कुल। चलिए महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। और महा कवरेज लगातार जारी है और महासभा में यहां रुकेंगे।